नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है, धन को कितना महत्व दें। समझदारों की ना समझी, मनुष्य की बुद्धिमत्ता में संदेह नहीं, वह उपार्जन के क्षेत्र में सबसे अधिक चतुरता दिखाता है। यदि नीतिपूर्वक प्रचुर संपदा नहीं कमा सकता तो धंधे में बेईमानी का यथानीति समावेश करने में भी चूकता नहीं। ये संयोग की बात है कि सूझबूझ की कमी या परिस्थितियों की प्रतिकूलता से इच्छित स्तर की सफलता न मिले फिर भी वह हार नहीं मानता, एक नहीं अनेक प्रयत्न करता रहता है। दाव न लगे तो बात दूसरी है, अन्यथा नीति अनीति का कोई ऐसा मार्ग छोड़ता नहीं जिसके आधार पर कम समय में अधिक धनाढ्य बन सकना संभव हो सके। उपार्जन का उपयोग कहाँ किया जाए, किस लिए किया जाए, किस प्रकार किया जाए, इस संबंध में भी उसका निश्चय ऐसा नहीं होता जिसे निर्भ्रांत या उपयोगी कहा जाए। अनीति द्वारा किया गया उपार्जन और अविवेक पूर्वक किया गया अपव्यय दोनों ही एक से एक बढ़कर खतरनाक होते हैं। ऐसे दुष्परिणाम उत्पन्न करते हैं जिनके लिए पीछे पश्चाताप ही करते रहना पड़े। इस सब का कारण है धन को अत्यधिक महत्व देना, उसी को सुख संतोष का एकमात्र कारण मानना, जीवन की सफलता और प्रगति की संभावना का उसी को आधार मान बैठना ऐसी भ्रांति है जिसके कारण बहुमूल्य जीवन का समूचा ज्ञान और कर्म पूरी तरह नियोजित कर दिया जाता है। इस एक ही दिशा में इतनी अधिक विचारणा और क्रियाशीलता जुड़ जाती है कि अन्यान्य महत्वपूर्ण प्रयोजनों में से और किसी के लिए न कुछ सोचते बन पड़ता है और न करते धरते। फलतः जीवन विकास की अन्य सभी दिशा धाराएं उपेक्षित स्थिति में पड़ी रहती हैं, एकाकीपन छा जाता है, एक पक्ष भी उतना सफल नहीं हो पाता जितनी इच्छा थी, कारण कि धन उपार्जन की सीमा है, अतः पग पग पर स्पर्धा बनी रहती है, सभी अपनी अपनी ओर खींचतान करते हैं। इसे संयोग ही कहना चाहिए कि किसी के हाथ कुछ जमा पूंजी जैसा वैभव लग जाता है और किसी को मन मसोस कर रहना पड़ता है। ऐसी दशा में ये भी हो सकता है कि कोई परिश्रमी पुरुषार्थी भी खाली हाथ रहे, उसे स्वल्प में ही संतोष करना पड़े। समझदारों की ना समझी, पृष्ठ 8। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।